रनिंग शू परचेस करते वक्त माइंड में सिर्फ दो चीजें आती है, बजट और कंफर्ट। अब 1000 रुपए का बजट है और उसमें आप लोगों को कोई ब्रांडेड शू लेना है तो ये सवाल सभी के माइंड में होगा। एंड इसीलिए मैं आप लोगों के लिए आज एक एडिडास के 1000 बजट में रनिंग शूज लेकर आया हूँ। देखते हैं किस टाइप का ये शू है, बात करेंगे पूरा डिटेल में। और एक ही रिक्वेस्ट रहेगी आप सभी से कि वीडियो को पूरा एंड तक देखना, किसी भी पॉइंट पर कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करते ही जाना। एंड फटाफट से बात कर लेते हैं शू के बॉक्स के ऊपर। तो एकदम सेंटर में एडिडास की ब्रांडिंग कर रखी है। बॉक्स को टर्न करने पर इस तरफ में सारी डिटेल्स दे रखी है, जैसे कि प्राइसिंग, मॉडल नेम एंड साइज वगैरह दे रखा है, जिनके बारे में हम फर्दर बात करेंगे वीडियो के एंड में। एंड ये रहे एडिडास के ग्लैरस एम रनिंग शू। तो गाइस इसीलिए बात कर लेते हैं शू के फिजिकल लुक्स एंड बिल्ड के ऊपर। तो दिखने में तो ये शू काफी ज्यादा सिंपल एंड सुपर सा है। अगर आप लोगों को इसको कैजुअली यूज करना है तो एज अ ब्लैक स्नीकर ये बहुत ही ज्यादा सही रहेंगे। वहीं अगर मैं शू के स्पेसिफिक आउटर डिजाइन के बारे में बात करूँ तो एकदम सेंटर में आप लोगों को एडिडास का 3 डैश वाला लोगो देखने को मिलेगा। वहीं बचे पोर्शन में आप लोग देख सकते हैं सब जगह पर मैश यूज कर रखा है। एंड इसकी क्वालिटी इस प्राइस रेंज पर एकदम जस्टिफाइड है। वहीं अगर मैं शू को फ्रंट साइड की ओर टर्न करूँ तो इस तरफ कुछ कुछ जगह पर सिंथेटिक पैचेस भी यूज़ कर रखे हैं, जैसे कि लेसेस के साइड का रखा है एंड फ्रंट साइड में। बैक साइड की ओर जाए तो यहाँ पर आपको एडिशनली एक एडिडास का लोगो देखने को मिलेगा सिंथेटिक पैच के ऊपर, जो कि आई कैचिंग है। एंड वहीं अगर मैं शू के बैक सोल के बारे में बात करूँ तो बैकसोल में डिफरेंट ब्लॉक पैटर्न्स यूज़ कर रखे, जो कि हमने बहुत सारे एडिडास के शू में देखा है। इसमें भी सेम टाइप ऑफ पैटर्न्स यूज़ कर रखे हैं एंड फ्रंट एंड बैक साइड में कुछ लाइनिंग पैटर्न दे रखे हैं। बिल्ड भी यहाँ पर एकदम सिंपल सा यूज़ कर रखा है, जो कि है ईवा। एंड एक बार मैं आप लोगों को इसका बैकसोल भी प्रेस करके दिखा देता हूँ। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पूरा सोल मटेरियल सॉफ्ट प्रोवाइड कर रखा है। फ्रंट साइड से शू फ्लेक्सिबल है एंड बैक साइड से भी आप लोग देख सकते हैं शू थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल है। तो फ्रंट साइड से फ्लेक्सिबल होने के कारण इनिशियल पुश बढ़िया रहेगा एंड पीछे के साइड से भी फ्लेक्सिबल है, तो नो डाउट अगर आप लोगों को कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी परफॉर्म करना है तो उसके लिए भी ये सही रहेगा। वहीं नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं शू के साइड सोल के ऊपर। तो साइड सोल को कम्प्लीटली सिंपल छोड़ा गया व्हाइट कलर में, हालांकि नीचे की ओर कुछ कुछ जगह पर डॉटेड पैटर्न्स भी फॉलो कर रखे हैं। एंड वन मोर थिंग गाइस, यहाँ पर आउटर को साइड सोल से स्टिच कर रखा है ताकि ये ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहे एंड ये इजीली रिमूव नहीं हो जाए। वहीं अगर मैं शू को टर्न कर रहा हूँ तो इस तरफ भी सिमिलर ओवरव्यू फाइंड आउट कर पा रहा हूँ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पर सोल हाइट है कुछ 1.6 इंच। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पर लेसेस भी राउंड प्रोवाइड कर रखे हैं, तो अगर आप लोगों को रनिंग वगैरह करना है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल रहेंगे। क्वालिटी भी ठीक ठाक सी प्रोवाइड कर रखी है एंड पीछे की ओर आप लोग एक और एडिडास का लोगो फाइंड आउट कर पाओगे। अब ये सारी बातें तो हो गई शू के बिल्ट और डिजाइन के ऊपर, अब बात कर लेते हैं शू के इनसोल एंड वेट के बारे में। इनसोल के बारे में बात करें तो यहाँ पर एकदम पतली सी लेयर प्रोवाइड कर रखी है, जो कि पूरी रबर की बनाई गई है। अब रबर वाला सोल प्रोवाइड कर रखा है तो नॉर्मल वॉकिंग एंड रनिंग के दौरान कंफर्ट तो आप लोगों को इतना खास नहीं मिलेगा, पर हाँ स्टेबिलिटी अच्छी खासी मिलेगी एंड रनिंग में ये सबसे ज्यादा बेस्ट होते हैं। अंदर की ओर सर्फेस क्लीन करने के लिए एक सिंथेटिक की लेयर भी अटैच कर रखी है, जिसको मैं एक बार आप लोग को प्रेस करके दिखा देता हूँ। एंड इन सभी के अलावा मेन लेयर में तो रबर दे रखा है, पर उसके अलावा आइट साइड भी मेंटेन करने के लिए थोड़ी बहुत फॉर्मिंग कर रखी है, जो कि प्रेस करने पर इक्वली सॉफ्ट है। एंड कुछ इस तरफ आप लोग डिफरेंट कंट्री के साइजेस भी देख सकते हैं। ऑल्सो लिटरली गाइज, जब भी मैं शू को अपने हाथ में उठा रहा था एवरी टाइम मुझे ये शू बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट लगे। एंड इसका वेट भी अराउंड कुछ 210 ग्राम का है, जो कि एक्सट्रीमली लाइट वेट है। अगर आप लोग इसको रनिंग में लेते हैं तो मेरे हिसाब से ये सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेंगे, क्योंकि लाइट वेट शू आप लोग को एकदम अच्छा परफॉर्मेंस देता है, पहनने पर फील भी नहीं होंगे एंड परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज रहेगा। नेक्स्ट वही अगर मैं बात करता हूँ शू के फ्लेक्सीबिलिटी टेस्ट के ऊपर, तो एक बार मैं आप लोग को ये शू फ्लेक्स करके दिखा देता हूँ सभी एंगल से। सो गाइस एज यू कैन ऑब्जर्व, अगर मैं शू को कहीं पर भी बेंड ट्विस्ट या फिर टर्न करूँ तो इनिशियली मुझे यहाँ पर साइड सोल में हल्के से स्ट्रेच मार्क्स देखने को मिलते हैं, थोड़े बहुत उस तरफ भी और है जो कि एकदम सेम जगह पर है। एंड आउटर में भी थोड़े बहुत तो विजिबल है, जो कि टेम्प्रेरी रहेंगे मैश होने के कारण। एंड अब फाइनली गाइस बात कर लेते हैं शू के वॉकिंग एंड रनिंग टेस्ट के ऊपर। वॉकिंग के बारे में बात करें तो एस एक्सपेक्टेड यहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहा है। नॉर्मल वॉकिंग में मुझे ये शू एकदम परफेक्ट लगे, सब जगह से मुझे यहाँ पर कंफर्ट मिल रहा था एंड इनिशियली नीचे की ओर से भी एकदम ठीक ठाक से मिले। तो अगर आप लोगों को नॉर्मल वॉकिंग वगैरह के लिए लेना है तो उसके लिए भी सही है। एंड पर्सनली सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड पार्ट है शू का लुक्स, जो कि मुझे तो पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा है। एंड नो डाउट अगर आप लोगों को ऐसे ब्लैक स्नीकर कोई सा भी शू प्रेफर करना है तो इसको ज़्यादा प्रायोरिटी दें। नेक्स्ट वही अगर मैं बात करता हूँ शू के रनिंग टेस्ट ऊपर,
तो इशू को मैंने दोनों ही सरफेस पे रन करके देखा, एकदम प्रॉपर ग्रिपिंग मिल रही थी एंड परफॉर्मेंस की तो क्या ही बात करूं। एकदम नॉर्मल से रन में आप लोगों को फ्रंट साइड ज़्यादा फ्लेक्सिबल होने के कारण इनिशियल पुश बेटर मिलता है, और तो यहाँ पर पीछे के साइड से भी सोल को थोड़ा सा सॉफ्ट प्रोवाइड कर रखा है, तो अगर आप लोगों को जॉगिंग वगैरह भी करना है तो उसके लिए भी ये सूटेबल है। फिटिंग में भी ये शू एकदम परफेक्ट है, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। जंप टेस्ट के दौरान भी यहाँ पर शू में थोड़े बहुत स्ट्रेच मार्क्स बन रहे थे, पर सरप्राइजिंगली आप लोग इस शू को इंडोर एक्टिविटीज़ वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। एंड एट द एंड हम गाइस बात कर लेते हैं शू के प्राइसिंग एंड वर्डिक्ट को लेकर। ये शू पड़ा तो मुझे एक्जैक्टली 1500 रुपये का, पर अभी सेल चल रही है उसमें आप लोगों को एक्जैक्टली 1000 रुपीज़ का पड़ेगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप वहाँ से इसको परचेस कर सकते हैं। सेकेंडली अगर मैं बात करता हूँ शू के वर्डिक्ट के ऊपर, तो ये शू मैं सबसे ज़्यादा उन लोगों को प्रेफर करूँगा जिनका बजट 1000 रुपये के आसपास है और एक रनिंग शू चाहिए। सबसे ज़्यादा बेस्ट रनिंग शू आप लोगों को इस बजट में यही मिलेगा, जिसका बिल्ट और डिज़ाइन एकदम टॉप क्लास दे रखा है, मल्टीपर्पज यूजेस है क्योंकि आप लोग कैजुअली भी यूज़ कर पाएंगे, जॉगिंग में भी यूज़ कर पाएंगे एंड एज अ प्रैक्टिस रनिंग शू यूज़ करना है तो उसके लिए भी ये एकदम परफेक्ट है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पर जिस टाइप का क्वालिटी मटेरियल यूज़ कर रखा है वो मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा वर्थ है। तो गाइस अभी तक में अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को एंड कमेंट सेक्शन में बताइए आप सभी के थॉट इशू को लेकर। मिलते हैं आप सभी से अगली अनबॉक्सिंग में।